दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारे 6 चैप्टर पूरे हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस से। तो काफ़ी हमारा बर्डन कम हो गया। थ्योरेटिकल मेरी आपसे एडवाइस है कि आप इन चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, स्टडी मटेरियल आप खरीद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन अगर आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लर्न होगा और उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट को इजी समझने की भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी इजी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आने हो एग्ज़ाम में। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और कहीं से भी आ सकता है। मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि केवल एक ही स्टडी मटेरियल पर डिपेंड नहीं होना है, हमको 2 या 3 स्टडी मटेरियल पढ़ने ज़रूरी है अगर हमको इसमें 90+ मार्क्स लेके आने हैं तो। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस टॉपिक को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाल ही के कुछ सालों में जागरूकता फैली है किस चीज़ के लिए, जो हानिकारक केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उनकी वजह से। ठीक है, और जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े मारने की दवा, उसका जो उसकी जो फसल उत्पादन हो रहा है वहाँ से, तो सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केमिकल्स जो हानिकारक केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो वेजिटेबल्स में है ना, कई प्रकार की फूड ग्रेन्स हैं उस सब में आ रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैविली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा विच एंटर द फूड सप्लाई, पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज, हार्म द लाइव स्टॉक, डिप्लीट द सॉइल एंड डिवेस्टेट नेचुरल इकोसिस्टम। आज का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसका विश्वास, या ये कह सकते हैं कि मजबूरी है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना उत्पादन करना ज़रूरी है, और बिना इनके हम उतना उत्पादन कर नहीं सकते, क्योंकि एरिया अंडर एग्रीकल्चर उतना ही है। ये पॉसिबल तब है अगर हम बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अगर हम खेती करते हैं, तो एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए। एरिया अंडर एग्रीकल्चर उतना ही है, बट तो क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी हो गया है, जिसकी वजह से वो हमारे खाने में एंट्री हो गए केमिकल, पानी में एंट्री हो गया है, वाटर सोर्सेज में, और इससे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, पूरे पर्यावरण सिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे पर्यावरण को, यानी पूरा का पूरा एक वातावरण है वो डिसबैलेंस हो रहा है इन सब की वजह से। तो एफर्ट्स इन एवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली आर एसेंशियल। तो जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली है वो कहलाई जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में 20 साल पहले जो और फार्मिंग होती थी, आज से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले, उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इको फ्रेंडली टेक्निक होती है, यानी कि इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, विच प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इससे क्या होता है, एक विकास जो होता है वो लंबे समय तक वो रहता है। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है खेती करने का जिसमें जो इकोसिस्टम है वो रीस्टोर होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जो मिट्टी की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है सॉइल की वो ख़राब नहीं होती। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड टू एनहेंस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में आज के ज़माने में बहुत डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रहे हैं। वो कारण यही है कि आज हर आदमी जागरूक हो गया है कि आजकल जो खेती हो रही है और आजकल जिस टेक्नोलॉजी से फसलों का उत्पादन हो रहा है वहाँ से कितने हार्मफुल केमिकल्स उनमें आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर का लगातार विकास होता रहे उसमें मदद करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री होता है, जो भी उत्पादन इससे होता है उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते, वो बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो एक ऐसे वातावरण में जिसका उत्पादन किया गया है तो वो वातावरण एकदम प्योर है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स कोई भी यूज़ नहीं है, तो क्लियर एडवांटेज है जहाँ पर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। ओके, दूसरा जो बेनिफिट है वो है ऑफर्स अ मीन टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा विद लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट दैट आर चीपर एंड देयर बाई जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो जो महंगे महंगे इनपुट आपको लगाने पड़ रहे थे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, HYV, ये सब आप नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ से बहुत सारा पैसा बच रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो महंगा पड़ रहा था आपको, बट इसकी जगह पर आपको जो इनपुट लगाने हैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो बहुत सस्ते हैं, ठीक है, वो बहुत सस्ते हैं। क्या लगता है? काउडंग लगता है, आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ज़रिए से इनकम जनरेट कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है और समय के साथ साथ डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ज़्यादा होती है क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स नहीं होते। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन, भारत में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हो तो उसके काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन होता है वो कम होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के कंपैरिजन में, ठीक है, इसीलिए छोटे किसान के लिए दिक्कत है यहाँ पर कि वो लंबे एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में आल्सो है मोर ब्लेमिशेस एंड अ शॉर्टर सेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उत्पादन होता है, जो चीज़ें आती हैं उनमें उनके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन क्रॉप इज़ क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन की चॉइस नहीं होती ऑफ सीजन में। आज की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है यहाँ पर तो 12 महीने खेती होती है, ऑफ सीजन में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़। यहाँ पर फार्मर को कुछ महीने यानी कि करीब करीब मान लेंगे आधा साल उसको बैठा रहना पड़ेगा, बैठ के खाना पड़ेगा। मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस गुड्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। एक को कैसे मार्केट में बेचना है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो एक मार्केटिंग सिस्टम अभी तक नहीं है ऑर्गेनिक गुड्स के लिए। सजेशंस क्या हैं जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होए, लोगों में रोज़गार मतलब सॉरी लोगों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड करें। इसके साथ फार्मर्स में भी इच्छा पैदा करना कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन करें। प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधाएं, सड़कें, क्रेडिट फैसिलिटीज़, जो भी ज़रूरत है वो सब व्यवस्था होनी चाहिए और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केट में हम फार्मर ले जाके अपना बेच सकें। और अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए, सरकार की एक एग्रीकल्चर की पॉलिसी होनी चाहिए अच्छी, जिससे किसान को किसी भी हालत में कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो चैप्टर को आप रिवाइज करिएगा। अब तक जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं, चाहे वो IED से हैं, एक चैप्टर हमारा मैक्रो का हो गया, एक चैप्टर हमारा पार्टनरशिप से हो गया, तो आप उसको रिवाइज करेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे।